नमस्ते दोस्तों हमारी आपसे निवेदन है कि थोड़ा सी हमारी जो बात है भोला चौधरी की उस बात में काम रहें उसको ध्यान दें गौर करें इस पीढ़ी के हम कहते हैं इस पीढ़ी है आपको दिखा रहे हैं इस पीढ़ी तो आप देख लिए हैं न स्यारी उपजे ना हार्ड बिकाए अबूदा फेंक बीजा खाए तो देखो इसका अर्थ ये हो गया कहीं खेती बाड़ी तो इसकी होती नहीं है कोई न बोताया ये फल ऐसा होता है ये जो पेड़ है ये भटकटे का है इसका बीज इसका बीजा कहे कि काम आता है ये बीज निकालते हैं इस बीजा को देखिए इस बीजा का निकाल के इससे जिसकी डाढ़ हो वो थोड़ा तेल डाल के करछुली में धर के और वहीं लगाई जाता है ताकि इसकी भाप में कीड़ा निकल जाता है डाढ़ का आराम तत्काल हो जाती है दूसरा इसके फल जो हैं हमारी तबीयत ख़राब है हम हमसे भोजन नहीं खपता है खाना नहीं खपता है हम इसको उपयोग करते हैं कि इसको ले जा के हरी वाली के। और काट के और टूर के इसके बीज निकाल के फेंक देते हैं फिर इसको तेल में तला के और थोड़ा थोड़ा फुल्कियाँ बनवा के हम खा सकते हैं इसमें से क्या होता है भूख लगती है भूख दौड़ती है आप देख सकते हैं ये बीजा डाढ़ में काम देता है और ये खाने में काम देता है पका वाला डाढ़ में और हरीला वाला खाने में क्योंकि तबीयत खराब में ये भूख दौड़ाती है तो नमस्ते दोस्तों हमारी ये आपसे निवेदन है इसको ध्यान दे के ध्यान दें <coughs> है दोस्त और ये बच्चा आलू ये बंद धन्यवाद देखिए दोस्तों मतलब यह है भटकटैया आपको बड़े मतलब ज़ूम करके दिखा दिया है और चाहिए तो और ज़ूम हो जाएगा तो आपने इसका गुण औषधि अच्छे तरीके से समझ लिया है हरी वाली जो है वो खाने के लिए है और पीली वाली जो पक चुकी हैं उनके बीज को करना क्या है उनके बीज को ये पकी वाली जो है इसके बीज को आग में आग में इसके सुखा के बीज को डाल के उसका धुआं लेना है डाढ़ में जिस, तर, जिस तरह जिस तरफ का दांत दर्द करता हो डाढ़ तो वो समझो कि उसकी दाढ़ तुरंत दर्द करना बंद हो जाएगी क्योंकि कीड़ा गिर जाता है इसमें कीड़ा गिर जाता है कीड़ा गिरा और दर्द और खत्म दूसरी बात कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो डॉक्टर पास जाते हैं ये लेने दवा की भैया भूख नहीं लगती और खाना नहीं खपता है तो सबसे बड़ी दवा लगे जो आदमी कचरा समझते हैं ठीक है तो ये जो दवा है एक कच्ची वाली को तोड़ के या तो फ्राई करके खा लो बीज निकाल देना है हाँ। इसका जो छिल छिकला रहेगा तोड़ के छिकला रहेगा उसको ही खाना है सिर्फ बीज बीज नहीं खाना है बीज को निकाल के फेंक देना है छिकला की सब्जी बना लो जैसे आप आलू भट्टा की सब्जी बनाते हो जैसे आमतौर की सब्ज़ी बनती है वैसी खा लो सूप बना के पी लो इसको पका के सिर्फ इसका पानी पी लो पका के सिर्फ एक बार पियोगे तो आप पूरा दिन खाते ही रह जाओगे ऐसी दवा है तो ठीक है दोस्तों जानकारी के लिए और सभी लोगों ने वीडियो बनाया सभी ने बताया कुछ लोगों ने अच्छा बताया तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में आप लोग बताएं और अपनी सलाह दें और वीडियो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट ज़रूर करें ठीक है दोस्तों नमस्कार